सिवान के चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर में स्थित दाहा नदी में एगो किशोर डूब गई बा। ओकर स्थानीय गोताखोर के द्वारा लगभग 6 घंटा के कड़ी मशक्कत के बाद लापता किशोर के डेड बॉडी खोजल गई बा। चैनपुर के रहे वाला विजय साह 17 वर्षीय पुत्र मुन्ना साह हवन। मुन्ना के परिजन बतैल हन कि आज शनिवार के दोपहर में मुन्ना घर से नहाए खाती बोल के निकल रहन। तब एक ग्रामीण वहाँ के सूचना दिलहन कि मुन्ना नदी में नहाए के दौरान छलांग लगे हन और लापता हो गए हन। सूचना पा के अंचल अधिकारी मौका पर पहुँचल हन। अंचल अधिकारी पंकज कुमार बतैलन कि युवक के छलांग लगावे के बाद सामने आ रहा बा कोनो कारण से नदी में छलांग लगे हन। एकर जांच कई जा रहा बा। फिलहाल स्थानीय गोताखोर के द्वारा उनकर तलाश जारी बा। युवक के नदी में लापता हो गईला के बाद परिजन में कोहराम मचल बा। मुन्ना के पिता विजय साह मलेशिया में रह ले जहाँ एगो निजी कंपनी में काम करे ले। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखा तेरी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर में मौजूद भी है, जहाँ पर अभी अभी बड़ा खबर बाहर निकल के आवा ताटे कि एक युवक दाहा नदी में कूद गए बड़े लगभग 12 बजे के आसपास। जे स्थानीय CO साहब बताओ तनी कि युवक जी कूद गए बड़े और लगातार खोजे के प्रयास कर जाताटे कि युवक आखिर में काहे खातिर कूदल गए बड़े। स्थानीय जे भी गोताखोर बा, रेस्क्यू के टीम के लोग बाटे, ओ जी लागल बाटे। लगभग 2 से 3 घंटा हो गए, अभी तक युवक के पता नहीं के चल पाते। युवक के नाम बता देवे के चाहते हैं कि मुन्ना साह नाम बतावल जाताटे, जौन 12 बजे के आसपास ए जी घाट बतावल जाताटे। कौन घाट हो? मलहवा घाट बतावल जाताटे। और मलहवा घाट के आसपास और वह देख सकते नहीं कि हाउ जौन घाट दिखाई दे ताटे, वो घाट पर उनकर चप्पल और गमछी, थोड़ा जूम करके दिखाओ कि चप्पल और गमछी दिखाई दे रहा बाटे। और पानी के जल स्तर बढ़ल बाटे, और पानी के जल स्तर बढ़ला से जितना भी रेस्क्यू के टीम बाटे, जितना भी स्थानीय गोताखोर बाटे, अभी तक पता नहीं चल पाइल। CO साहब से जब बात भैल तो वहाँ के बतावत नहीं कि हमसे के प्रयास जारी बा, अभी स्थानीय गोताखोर के द्वारा ए जी रेस्क्यू टीम के द्वारा खोजी कल जा रहा बाटे। और अगर ना मिली हन तो महाजाल बिछावल जाए और ओकरा बाद बोट के भी यूज कल जाए। चलिए स्थानीय जे लोग बाटे हम बात करे के प्रयास करते नहीं। भैया कै बजे के घटना है? कै बजे घटना चाचा? हम नहीं थे। नहीं थे? अभी तुरंत आ रहे हैं। अभी तुरंत ही नहीं है? कब पता चला भैया? हम तो अभी फिलहाल अभी आवतनी पता करे भाई बताएं कहीं। हम तो फिलहाल किकरा से? 12 बजे घटना है। 12 बजे करीब मुकरा। और का नाम पड़ी? कमल चौधरी। रोवे पता चल लगा मालूम भइल घरे रहनी हत। अच्छा, और का लगेले? वो हमने के अभी तो महला के आदमी हवन। अच्छा, तब ई पता चलल कब बजे के बस पता चलल? मैंने 12 बजे के करीब में पता लगल कि मुन्ना डूब गए बा। होने डूब गए बड़े कि कूद गए बड़े? अब कूदल बा कि डूबल बा नहाए आइल बा हमने के देखे थोड़े आइल बने से। अच्छा, कब ऐसे स्थानीय प्रशासन कब आइल? प्रशासन तो झुलते आ गए, हमने के नदी आनी हसन तो झुलते आ गए रहल। अच्छा, अभी खुजाई चलता चलता देख सकते नहीं कि स्थानीय लोग बतावा जाता कि अभी तक स्पष्ट नहीं है वो पाइल कि कूदल बड़े हैं कि डूबल बड़े हैं, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाई। स्थानीय गोताखोर मौजूद बने। चाचा एक मिनट, कितना देर खोजनी है? एक घंटा। हाँ। कुछ पता चल लो? कुछ पता चल नहीं, पता नहीं चल ना, मिल पाता है? ज़्यादा तो लागत है कि नहीं हुई। गहराई कितना? गहराई
दस फीट के आसपास। मतलब का अंदाजा लगा था कि मतलब नीचे गड़ल गए कि कुछ अनुमान लागत अपना से? अनुमान का लागत है दहा के डूबल हुई है तो धार तो तेज नहीं के लाश हुई बैठल बड़े बैठल बड़े। देखिए स्थानीय जी गोताखोर बाटे बतावा था कि ए जी 10 फीट के आसपास जोन बाटे अंदर गड़ गई बड़े और ओकरा बाद ही पता चल पाई कि भाई कूदल बड़े कि डूबल बड़े कुछ स्पष्ट नहीं के हो पाई। लेकिन जोन जलस्तर बाटे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बाटे और जलस्तर बढ़ल बाटे ओकरा बाद से रोवा देख सकत है कि काफ़ी संख्या में ज़्यादा लोग पहुँच चुकल बाटे और पहुँचले बा तब पहुँचल बा तब से लोग जी देखत अटे और स्थानीय प्रशासन भी पहुँचल बाटे और स्थानीय प्रशासन के मदद से ए जी रेस्क्यू टीम कल जा रहा बा। गार्जियन से हम बात करे के प्रयास करतनी कि ए जी गार्जियन के बाटे और कब पता चल और देख सकत है कि भीड़ काफ़ी संख्या में बाटे और तमाम से भी लोग मौजूद बाटे और जो परिजन बाटे परिजन के नहीं बोल अच्छा रोवा हिंका रोवा हिंका मैंने घर के रोवे हैं का नाम है किशोर सा कार लहुन मुन्ना नाती रहला हम नाती रहलन कितना उम्र रहल अरे 17-18-19 साल के रहले 17-18-19 साल का करे आई रहलन कुछ बता कर आए खाती का जूता खोलल ने के नहाए खाती आइल बा सीओ साहब कहत नहीं कि एथी बाटे कूदल बड़े तो तार कूदल होकर चाहे नहाए खाती आइल बा अब के आइया देखले के बा रवा को पता चलल हम तो एक मेहरारू जाके कहली है 15 मिनट के बाद तो हम दौड़ल हम हमारे साथ चल जाता बाकी केहू तर आदमी आ गए। इनका पिताजी कहाँ रह उनका बाप रह मलेशिया मलेशिया रह जी हाँ आ इनकर माई घर बड़ी हाँ घर बड़ी वो घर ही बड़ी हाँ आई रही हलो तब हम कहें जाल बाबू अब जौन होके हो तो नहीं हो दूसर का हो बाटे अब जौन होके तो देखिए परिजन काफ़ी ज़्यादा अथी बड़े दुखी बड़े अब रेस्क्यू चल रहा बा अब आगे के का कार्रवाई हुई अब आगे चल के पता चल पाई देख सकत नहीं कि वो जी चप्पल दिखावल जाताटे और वो जी गमछे दिखावल जाताटे और उम्र लगभग लगभग 17-18 साल यहाँ के बतावत नहीं कि वहाँ के मुना शाह नाम रहा 17-18 साल उम्र बतावल जाताटे लगातार देखल जाता कि डूबे के जन घटना बाटे लगातार बढ़त जाताटे। परसों के चौथा रोज़ की हम बात करी तो 3 गो लड़की के ऐसे ही डूबला से मृत्यु हो जाताटे फिर उकर बाद लगभग लगभग बहुत ऐसा दर्जनों जगह बाटे जहाँ पर खाणी कुड़ी में लड़का नहाए खाती जाता रहसन तो में डूब जाता रहसन। बहरहाल ये खबर बाटे जैसे अपडेट आई रहा कि हम बताओ चले मैच बॉक्स के माध्यम से।